तो भी दोस्तों आप सबने दिखाऊंगा मैं एक ऐसी चीज जिसके शायद गुण तो बहुत सारे हैं लेकिन अवगुण एक भी नहीं है, लेकिन इस ट्रेंडिंग और टेक्नोलॉजी के दौर में वह चीज़ आपने बहुत पीछे छोड़ दी, बहुत पीछे। राम राम जी, नमस्कार, मैं हूँ दीपजोत बाते वाला और स्वागत है आप सबका नई वीडियो में। लो भी दोस्तों, वो है मटका। ये मटका, इस मटका का जल शायद दुनिया का सबसे शीतल जल होगा जो बिल्कुल ही बढ़िया होगा। और जो देखो नीचे बहुत सारे मटके रखे हैं, इब आपने दिखाऊंगा कि यह चीज़ या बनाई कुकर जावे इसके अंदर कितनी मेहनत लगा है, इसकी प्रक्रिया के है बनाने की। देखो फिर खोया हुआ माटी, जिस माटी का मटका बनाया जावे, इस माटी ने कूट का छेद का सब कुछ करके फिर इसका गोल बनाया जाओगा और इसमें बनाया जाओगा। गोल बना के साफ करके मत मुत के उसके बाद इन्हें फिर इसके पिंडे बनाए जावे। दोस्तों यू है वो चाक, इस चाक पर पिंडा रख के और यू घुमाया जावे, फिर इस तरह मटके का आकार दिया जावे। इब तो बिजली वाले चाक आ गए जो ये अपने आप घूमे, और छोटे पहले तो बड़े बड़े चाक हुए करते, रात के लिए घुमाए कर दे, बहुत मेहनत हुई कर दी। उसके बाद दोस्तों आप सबने दिखावेंगे मटके को कैसे तैयार किया जावे। देखो भाई कितनी स्टेबिलिटी, कितना जबरदस्त कंट्रोल, सुपर। हाथ ने भी देखो कुकर बिल्कुल टिका का है, और यह भी एक मेरे ख्याल से दुनिया की जबरदस्त कलाकारी है कि मिट्टी ना कर देना। देखो आपने एक जबरदस्त आकार का मटका बना के दिखाया, मटका बनाने के चार स्टेप है, लेकिन एक स्टेप यू भी है जो चाक पर घुमाया जावे। वीडियो देखो भी और शेयर भी करो वीडियो को, क्योंकि ज़बरदस्त कलाकृति आजकल यह बहुत ज़्यादा कम होगी दुनिया में, दुर्लभ होगी यह चीज़, क्योंकि सारे जने अपना अपना काम छोड़ गए जो खानदानी काम हुए करते हैं। आज बहुत ही बस बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जितने भी हुए हैं करें इस चीज़ ने। इस वीडियो पर एक शेयर तो बना भाई, एक शेयर तो होना चाहिए, लाइक तो जरूर होना चाहिए। वीडियो मिट्टी ना काट देने लग रहे, मिट्टी को मुलायम बनाकर बिल्कुल मलाई की तरह। उसके बाद देखो कितनी ज़बरदस्त स्टेबिलिटी है, कुंभकार यानी कुमार यानी कि दुनिया का ये भी एक ज़बरदस्त कलाकार है जो मिट्टी ने इतना ज़बरदस्त तरीके से आकार देने लग रहा। देखो भी इसके किनारे बनने लग रहे हैं, अरे वाह, है नहीं ज़बरदस्त कलाकारी, आपने भी शायद पहला नहीं देखी होगी ये चीज़। जीन मटके में आप पानी पीवाना वो यह चीज़ है, यह चीज़ अपना आगे बना काम है, लेकिन इसके बनाने के तीन चार स्टेप हुए हैं। देखो अब इसको धागे तक काट के, नीचे तक काट के और मटे चाक से उतर जाओगा, अरे वाह देखो उतर गया। अब देख बताओ भाई वीडियो कैसी लगी, जय राम जी की। इसको गड़े दे रहे है क्योंकि थप्पा और खंडेरी है ना, यू थप्पा तो थप थप करी जावे बैर और खंडेरी भीतर लगाई जावे और इसका मटके का आकार दिया जाओ। चाक पर उतरता है देखा था यह चीज़ बन गई थी, वाह यह चीज़। उसके बाद बन गया फिर यू, जब जी दो मरक रखे हैं सूखने खातर, सूख का उसके बाद इसने फिर रंग होता है पेंट करा जावे। पेंट करने के बाद गड्ढा बना के हवा बोल देना, हवा हवा के अंदर इन बर्तनों ने जचाया जावे, ये सारे मटके जचाए जावे कच्चे मटके। तो जब वह मटके अवे में लगा कर उसके बाद ये गोसे लगाए जावे, कई जगह इन्हें गोसे बोलते हैं, कोई गोए बोलते हैं, कोई उपले कहते हैं, ईंधन भी बोलते हैं। तो यह चीज़ कई तरीके से सारे अलग अलग तरीके से नाम है इनके। तो उसके बाद अवे में जचाने के बाद फिर ये मटके जब ये निकाले जावे ना, फिर उसके बाद ये इतने मटके निकले, देखो बहुत सारे।
दोस्तों आप सबने देखा कि एक मटके को बनाने वास्ते कितनी मेहनत करी जावे, बहुत ज़्यादा। उसको मिट्टी को लिया जावे, रौंदा जावे, पिटिया जावे, छेत्या जावे, फिर वो बना कर उसका पिंडा बना कर चाक पर उतारा जावे, फिर उसको गढ़ा जावे, गढ़ने के बाद उसको आग में दिया जावे, आग में देने के बाद उसको निकाला जावे, पेंट पुंट बहुत सारे तरीके हैं। तो इतनी प्रक्रिया होने के बाद एक मटका अपन मिला है, लेकिन उस टाइम अपन जब अपन लेना हो के कह दिया भाई यार की आई 150 रुपये का है, बहुत महंगा है, क्या लग रहा है इसके में। ऐसा नहीं बोलना भाई, सबको सपोर्ट करना है, क्योंकि कितना भी आप फ्रीज का पानी पी लें, कितनी भी ऐसी की हवा खा लें, सब बीमारी है, सब तो बीमारी लगे, लेकिन मटके का पानी एक ऐसा पानी है जिस तरह अपन आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो यह प्रक्रिया किसान के लिए भी है, किसान भी अपना अनाज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन किसी ने भी अपना सही दाम नहीं मिल पाता, और कम मिलेगा जब आप एक दूसरे ने सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो अपना कैसी लगी, पूरी प्रक्रिया देखी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए भाई। जय राम जी की।